यार कबीर, जिसको तू इतना क्रोसॉन्ट बोल रहा है ना, उसे हम मसूरी में खारी या फेन बोलते हैं। अंदर से पूरा चूरा होता रहता है। यार मुझे तो ये सब ना दिखावे वाला खाना लगता है, फ्री की हीरोगिरी वाला। और ये कैपुचिनो 200 रुपए की, इससे अच्छी तो मैं टुन्नू चाचा की मस्त अदरक डालकर चाय पिलाती तुझे। यार तू भी कभी कभी ना एकदम कंजूसों टाइप की बातें करती है। अरे नहीं, सच में लग गई शर्त 500 की। टिन्नू चाचा की चाय पीकर फिर बताना कि कौन सी बेटर है। चलो लग गई शर्त, पर अभी तो आराम से खा पी ले। इसके बाद अगला स्टॉप क्या घुमाएगी मुझे? इसके बाद मैं तुझे हमारा सबसे प्रसिद्ध कैंपटी फॉल घुमाऊंगी। देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं वहाँ। तो मेरी टूरिस्ट गाइड जी, अब प्लीज ये बताएं कि हम कैंपटी फॉल जाएंगे कैसे? वैसे तो टेम्पो जाते हैं, पर मेरे पास एक उपाय है। नहीं यार, फिर कुछ सस्ता कंजूस सॉल्यूशन ढूंढेगी। साले खजूर, तू खुद दिल्ली से हमारी बस में लटक कर आया है और मुझे कंजूस बोल रहा है। अब चुपचाप देख मैं क्या कर रही हूँ। शौनक दादा, रुको तो जरा। भाई साहब, अलग ही जुगाड़ है तुम्हारे तो। पापा के कारण ट्रांसपोर्ट के बहुत से लोगों को जानती हूँ मैं। कबीर और जेनिफर को शौनक दादा की वैन ने कैंपटी फॉल ड्रॉप कर दिया। स्विमिंग आती है ना कबीर, फॉल में स्विमिंग करने का मजा ही अलग है। ये जगह तो बहुत ठंडी है, यहाँ इतनी ठंड में स्विमिंग सोच के ही हाथ पैर जम रहे हैं। हाँ तो तुम्हें ठंड की आदत तो होगी नहीं ना। तुम्हें पता है अब हम मसूरी शहर से 13-14 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। ये फॉल जिस जगह पे है इसका नाम राम गांव है। वैसे एक खास बात बताऊं, कैंपटी नाम कैंप टी से पड़ा है। अच्छा तो यहाँ पानी का टेस्ट चाय से मिलता है क्या, जो ऐसा नाम पड़ गया? अरे नहीं, नाम के लिए नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारी ठंड भगाने के लिए आइडिया दे रही हूँ। चलो गर्मा गर्म चाय पीते हैं, वो भी मसाले वाली। नहीं यार, चाय वाय के लिए मुझे मत बोला करो, मुझसे चाय नहीं पी जाएगी, तुम फिर मुझे किसी टपरी पे बिठा दोगी। तो क्या तुम चाय के लिए रोज 5-स्टार शेफ बुलवाते हो? चलो अब ज्यादा नाटक मत करो, तुम्हें अच्छी लगेगी। अरे यार क्या मुसीबत है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे कहीं के भी खाने पीने से। क्या पता कौन सा बर्तन यूज करते हैं, मन तो नहीं है, लेकिन जेनिफर जोर डाल रही है तो जाना पड़ेगा। तो चाय पी करके अब तो तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा ना? चलो अब यहाँ से चल के हम चेंज कर लेंगे और स्विमिंग के लिए चलेंगे। हाँ लेकिन हमारे पास स्विमिंग सूट तो नहीं है। हाँ पर आवर के हिसाब से इजीली मिल जाएंगे। चलो जल्दी चलते हैं, शाम 5 बजे के बाद बंद हो जाती है जगह। कुछ ही देर में उन्हें रेंट पर कॉस्ट्यूम मिल गए। जेनिफर अच्छी लग रही हो तुम, ये ब्लैक कलर काफी सूट भी कर रहा है तुम पर। थैंक यू, वैसे तुम भी अच्छे लग रहे हो। पर सुनो, स्विमिंग रेस करें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। हाँ चलो करते हैं, तुम्हें भी अपनी बेइज्जती करवाने का ज्यादा ही शौक लगता है। अरे बातें छोड़ो और कूदो। मुझे हराना तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा। अब भी देखो मैं कैसे तुमसे पहले उस पार पहुंचती हूँ। कबीर शुरू करता उससे पहले जेनिफर आगे निकल गई। अभी मजा चखाता हूँ, ये लो इस पानी से बच के दिखाओ। अच्छा अब हारने लगे तो पानी उछालोगे? मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ, अब भी बताती हूँ। लो मैं जीत गई। देखो मैंने कहा था ना कि यहाँ मैं बचपन से आ रही हूँ। वैसे स्विमर तो तुम भी अच्छी हो, पर मेरे जैसी नहीं। दिल्ली के बेस्ट कोच से ट्रेनिंग ली है मैंने। ओह शिट, ये मैं क्या भूल गया, वो मैं बचपन में अमीर घर में था, मेरा मतलब बिल्कुल छोटा था तब। जब स्कूल में था तब मम्मी पापा गुजर गए और चाचा चाची जुल्म ढाने लगे। सिंड्रेला से स्टोरी चुरा रहे हो क्या? क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अरे रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, वरना उस रूम में थोड़ी रहते। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बाल बाल बचे। उम्मीद है आप भी कबीर और जेनिफर की मस्ती भरी ट्रिप का आनंद ले रहे होंगे। ये सफर आगे कहाँ कहाँ जाएगा जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी।